तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है मेरे प्यारे झारखंड वासियों, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए अभी जो टीचर की बोली है सरकार ने कि 4200 टीचर की वैकेंसी हम देंगे, उसमें से 200 वैकेंसी आज आ गया है एक डिस्ट्रिक्ट की ओर से। कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सैलरी मिलेगी, कितने वर्ष के लिए या कितने महीने के लिए किया जा रहा है, ठीक है पूरी की पूरी डिटेल जानकारी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सब कुछ जानकारी देंगे। वीडियो में जुटे रहिए। तो मेरा नाम है सागर, आप सभी जैसा कि जानते हैं, ठीक है। और तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो जिला का नाम है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसेवा की ओर से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। विज्ञापन संख्या जनवरी 2023 की है। आगे बात करें तो बोला गया है कि आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। किस पर सिलेक्शन किया जा रहा है, तो संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है, कितने महीने का, 11 महीने का, लेकिन 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका विस्तार किया जाएगा जब तक कि इसका परमानेंट नहीं हो जाता, इन्होंने बोला है, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बोला गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 यानी कि 15 मार्च 2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश के अनुसार आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जिले के निम्नलिखित उत्कृष्ट विद्यालयों यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्त शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा, अल्पकालीन मतलब के लिए थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित स्नातक यानी कि ग्रेजुएट प्रशिक्षण, ग्रेजुएट टीचिंग, ठीक है, और आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, इन शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएट है उनको TGT कहा जाता है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको PGT कहा जाता है, ठीक है, TGT PGT। आइए देखते हैं वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा किस में है, किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, BC1 में या BC2 में, ठीक है, ST में या SC में। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपके इसमें आ जाते हैं टोटल वैकेंसी 48, इसमें 89, इसमें 337 और 1, ठीक है। और फिर इधर आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे जोड़िए ना कितना हुआ, 89 और 40, 90 40, मतलब कि यहाँ पे टोटल हो गया 90 और 50, 100 लगभग आपका टोटल। तो टोटल यहाँ पे 300 प्लस पद हैं, ठीक है, 300 प्लस वैकेंसी है। अब देख लीजिए आप किस लैंग्वेज से हैं, हिंदी में है कितने टीचर, इंग्लिश में, उर्दू में, उड़िया, मैथ, फिजिक्स, बायो, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, सिविल है, इस तरह से टोटल आपके यहाँ पे सब्जेक्ट कैटेगरी किए गए हैं, ठीक है। इधर देखिए PGT में आपके हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और कॉमर्स है, इन सब में बांटे गए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीट हिस्ट्री में है और हिस्ट्री से सब में कमी सीट है, ठीक है। तो ये हो गए, अब अपने अनुसार देख लीजिएगा आपका क्या सब्जेक्ट है। आगे देखिए तो यहाँ पे बोला गया है सूचना में कि नोट में चयन हेतु विद्यालय की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न स्नातक प्रशिक्षण शिक्षक यानी कि TGT, ठीक है, और के समाज उपयोगी क्राफ्ट एवं संगीत विषय में नामांकित छात्र संख्या शून्य रहने के कारण संविदा आधारित चयन नहीं की जाएगी, ठीक है, जिनमें शून्य उनमें कैसे चयन की जाएगी, स्नातकोर प्रशिक्षण PGT के संस्कृत तथा वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स विषय में विद्यालयों में से संबंधित विषय में नामांकन छात्र शून्य रहने के कारण संस्कृत में कुल 7 पदों में से 6 पदों पर तथा वाणिज्य में कुल 9 पदों में से 5 पद पर ही संविदा आधारित चयन की जाएगी, ये विशेष सब्जेक्ट के लिए बोला गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या मांगा गया है,
तो स्नातक प्रशिक्षण के लिए सबसे जरूरी चीज़ यही होता है कि हम एलिजिबल होते हैं या नहीं, अप्लाई करने के लिए जान लीजिए। देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें आपका चयन होना है TGT या PGT जिसमें, तो यह PGT के लिए है, सब्जेक्ट में न्यूनतम 50% अंकों के साथ जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। साथ ही परंतु अनुसूचित आपके जनजाति और ST और SC के लिए 45% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ये हो गया एक क्वालिफिकेशन। इसके साथ ग्रेजुएशन के बाद आप साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से BEd अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा BEd के समकक्ष योग्यता जैसे कि नेट हो गया, PhD वगैरह अगर आप किए हैं तो ठीक है, वे सभी इसके समकक्ष योग्यता हो जाते हैं, MEd DLED वगैरह भी ठीक है। तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग है इन सबको इनके समकक्ष अगर योग्यता है तो वे भी अप्लाई कर पाएंगे। चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुसूची संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 के अनुरूप होगी। ठीक है, क्या मांगा गया है PGT के लिए? PGT के लिए बोला गया है कि स्नातकोर है जी, मैंने स्नातक बोल दिया गलती से। PGT टीचर के लिए बोला गया है MA, MCOM, MSc, इसको आप शॉर्ट में PG बोल सकते हैं, PG पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd या इसके समकक्ष योग्यता BEd, DLED, MEd जो भी आप किए हैं या नेट JRF किसे PhD किए हैं तो ठीक है, ये सभी आप अप्लाई कर सकते हैं PGT के लिए। TGT के लिए कौन एलिजिबल है? PGT का पोस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा, TGT में थोड़ा सा कम मिलेगा वेतन। ठीक है, देखिए TGT में बोला गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, सिंपली मैं बोल देता हूँ, आपके इसमें BA, BCOM, BSc या ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए अगर आप जनरल OBC हैं तो, ST SC हैं तो 45% ग्रेजुएशन, साथ ही आपका BEd या फिर उसके समान योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, BEd का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एडुकेशन, ये समान आपकी योग्यता होनी चाहिए, ये चीज़ बोला गया है TGT के लिए। अब आगे देखते हैं उम्र सीमा। तो यहाँ पे बोला गया है कि उम्र सीमा कम से कम है 21 साल और अधिक से अधिक 55 वर्ष होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्र सीमा है, बूढ़ा बूढ़ा लोगों को लेगा यार, थोड़ा कम उम्र सीमा रखिए यार, 45 रखिए, 30 रखिए, 55 यार ये कोई बात हुआ एकदम, मतलब आदमी क्या पढ़ाते पढ़ाते ही ऊपर जाएगा ऐसा मालूम नहीं अब क्या है। आप लोग को तो लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा उम्र दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उम्र का आकलन जो है आपका बोला गया है कि 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 के आधार पर किया जाएगा। आपका कम से कम 21 साल उम्र और अधिक से अधिक 55 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की बात करें तो बोला गया है कि चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, यानी कि अगर आप इस जिले से हैं सरायकेला खरसावां से तो आपको विशेष आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे पूरे झारखंड से अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला गया है संविदा की मासिक उपलब्ध मतलब कि वेतन क्या रहेगा या सैलरी, सबसे जरूरी चीज़ यही होता है ना। आप लोग में से बहुत से लोग बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, जो भी होंगे, मैं किसी का भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, अगर कुछ मेरे जुबान से कुछ गलत वर्ड निकल जाए तो प्लीज़ सॉरी, पहले ही मैं बोल देता हूँ यार। तो क्वेश्चन है कि संविदा शिक्षक को मासिक आपका आधार पर समेकित भुगतान इस आधार पर किया जाएगा। PGT जो टीचर होंगे ठीक है, इनको 27,500 रुपये दिए जाएंगे और TGT जो टीचर होंगे ग्रेजुएट लेवल के उनको 26,250 रुपये दिए जाएंगे। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। आगे देखते हैं। तो बोला गया है कि संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य और दायित्व इनके क्या होंगे? तो संविदा के आधार पर नियुक्ति शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। क्या क्या करना होगा इनको? नियमित कक्षा का संचालन, बच्चे के द्वारा किए गए कार्यों की जांच,
फिर निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, इन सभी को करना होगा। तीसरा है कि विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्र एवं सहकर्मियों की सहायता करनी होगी। साथ ही बोला गया है कि प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य करने होंगे। ठीक है, चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा? तो चयन की प्रक्रिया के बारे में बोला गया है कि उपायुक्त की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, हिंदी में इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार को, इंटरव्यू एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर, यानी कि आपको एक क्लास दे देगा पढ़ाने के लिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, और समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट फिर बनाया जाएगा इसके अनुसार। और बोला गया है कि चयन हेतु, सिलेक्शन हेतु समिति का अंतिम निर्णय ही निर्णय होगा, कोई उसके अलावा अगर कोई आप बोलते हैं तो आपके बात पे गौर नहीं किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए या चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। आगे देखिए, तो बोला गया है चयन हेतु निर्धारित क्या क्या शर्तें होंगी, जान लेते हैं शर्तों को। संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। देखिए शर्तें जान लीजिए, इनकी कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, इन शर्तों पर आपको खरा उतरना होगा। पहला है कि यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है, अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये पहली शर्त है। आगे बोला गया है दूसरी शर्त कि शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्यवाही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। ठीक है, ये दूसरा शर्त है। इनकी तीसरी शर्त है कि संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक के संवर्ग का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप कभी भी दावा नहीं कर सकते कि आपको हमें परमानेंट करना ही होगा। ठीक है, ये पहले ही बोल दे रहे हैं, अगर आपको नहीं, आपको यहाँ पे आना है तो नहीं आइए, लेकिन ये कभी आपको नहीं बोल रहे कि सरकारी बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा ये दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बन भी सकते हैं ये अलग की बात है, लेकिन नहीं बनेंगे तो कोई दावा नहीं आप लोग कर सकते हैं, केस वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बोला गया है कि ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके निर्धारित शर्त एवं बंदेश यानी कि संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। ठीक है, उनके अनुरूप ही आपको कार्य करना होगा। इनकी पांचवी शर्त है कि संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष यानी कि 11 माह हेतु करने संबंधी एक कारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। आगे बोला गया है कि चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एक कारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा। अंत में मूल्यांकन किया जाएगा कि 11 महीने तक आप कैसे पढ़ाएं बच्चों को, आपका क्या कैरेक्टर रहा। ठीक है, इन सभी पे गौर किया जाएगा, तदनुसार आपकी जो है सेवा बढ़ा दी जा सकती है। कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा का विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोष पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। अगर आप बदमाशी करते हैं, छुट्टी वगैरह लेते हैं, तो आपका जो है अगले बार सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, अगले 11 महीनों तक ही आपको रोक दिया जाएगा। फिर बोला गया है कि तद अनुसार संबंधित रिक्ति पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया हेतु चयन की कार्यवाही की जाएगी, ये चीज़ भी बोला गया है। तो ये शर्तों को आपको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, एक एफिडेविट के रूप में बोलते हैं ना बॉन्ड पेपर, वो बॉन्ड पेपर में आपको साइन करना होगा और इसी के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरह से साइन कर दिए कि मैं इस सभी शर्तों को मानता हूँ। ठीक है,
आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, आइए जानते हैं। देखिए बोला गया है कि योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट क ख के संलग्न में आवेदन संबंधित जिले के शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय में अधिकारी के कार्यालय के कार्यालय सरायकेला खरसेवा में आवेदन की विहित प्रपत्र में निम्नलिखित डाक द्वारा, किसके द्वारा, डाक के द्वारा यानी कि ऑफलाइन है, 20 फरवरी 2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है, जितना भी पैसा लगे 50-60 रुपये लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। निर्धारित समय के पहले आपको वहाँ पे पहुँचा देना है, ठीक है, या फिर आप खुद भी जाकर के पहुँचा सकते हैं डाक या फिर खुद, ठीक है, ये चीज़ बोल दिया गया है। आगे है कि चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट पे देखा जा सकता है, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले समझ लेते हैं साथ में, ठीक है। 7 पेज का PDF है, उसमें से हम लोगों ने 3 पेज पढ़ी लिया है। आगे देखते हैं तो बोला गया है कि चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा के पास उपलब्ध है, ठीक है। आगे बोला गया है 9 नंबर पॉइंट, इसमें बोला गया है कि चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसेवा के नाम से पेमेंट एड सरायकेला खरसेवा स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, और ये आपको पोस्ट द्वारा करना होगा आवेदन शुल्क, ठीक है। यहाँ पे बोल गया है ये आवेदन शुल्क डिमांड, सॉरी पोस्ट ड्राफ्ट नहीं जी, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट करना होगा DD या फिर बैंकर्स क्विक, ठीक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसवा के नाम से पेबल एट सरायकेला खरसवा किए जाएंगे, DD करवा लीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पात्रता यहाँ पे बोला गया है तो चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापन पद हेतु चयन, मतलब कि एडमिट कार्ड जो दिया जाएगा वह केवल आपका एग्जाम में बैठने के लिए होगा, या फिर एग्जाम वगैरह जो भी हो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह उसके बैठने के लिए होगा, ये नहीं मान लिया जाएगा कि आप सिलेक्शन हो गए हैं, इतना सबको मालूम है। आगे बोला गया है देखिए कि परिशिष्ट क, इसमें बोला गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसवां, फिर बोला गया है कि अंतर्गत 3 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय, यहाँ पे स्कूल के नाम दिए गए हैं, साइड में देख लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए यहाँ पे स्कूल के नाम दिए गए हैं आपके, ठीक है, सीरियली रोटेट कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, फिर यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्कूल दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से देख लेना है आपको किस स्कूल में भरना है। सारे के अलग खरसवा के होंगे तो आपको इजी होगा, और दूसरे राज्य के होंगे, सॉरी दूसरे ज़िले के होंगे तब तो जिसमें भी मिल जाए भाई वही बड़ी बात ना। देखिए ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर सरायकेला खरसवा, यार मेरा भूख लग गया, खाने का समय हो गया, ईमेल दिया है इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे बोल दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन IIT स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, और यहाँ पे ब्लॉक लेवल दे दिया है आदर्श विद्यालय फॉर सेशन 22, 23 एंड 23-24। यहाँ पे देखिए फॉर्म को कैसे भरना है, तो इम्पोर्टेंट नोट दिया है कि ऑल एंटायर शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर, सबको आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, कोई भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे। आगे बोला है कि वन फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर वन पोस्ट, एक फॉर्म केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनक्लोज्ड और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। एनक्लोज्ड अटैच्ड कॉपीज ऑफ टेस्ट विथ ईच फॉर्म Each form applied more than one post, ठीक है। If applied for more than one post, यहाँ पे बोला गया है enclosed attached copy of testing कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, मैं तो कहूँगा वन पोस्ट के लिए ही अप्लाई कीजिए, उससे ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई मत कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। पोस्ट अप्लाइड फॉर प्लीज, यहाँ पे करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे चुनना है कि सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर इन ऑफ PGT TGT में, ठीक है,
पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे पीजीटीजीटी सब्जेक्ट देना है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, प्लीज कीप वन बॉक्स ब्लैंक बिटवीन फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है सागर, सागर लिखा, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दूंगा, उसके बाद लिखूंगा साव, ठीक है, उस तरह से अपना फिल कीजिएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर यहाँ पे, और फिर आप किसका भर रहे हैं, अगर फादर का नाम दे रहे हैं तो फादर पे टिक लगाएंगे, हस्बैंड का भर रहे हैं तो सॉरी हस्बैंड का नाम दे रहे हैं तो हस्बैंड का टिक लगाएंगे, और यहाँ पे उसी तरह फिर भरना है फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आगे देखते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है डेट मंथ और ईयर के रूप में, ठीक है। जेंडर आपको किसमें है, मेल है फीमेल है या फिर अदर है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल है फीमेल है या फिर आप अदर जेंडर हैं उसमें भी, थर्ड जेंडर वह भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज क्या हो रहा है 31 दिसंबर 2022 के अनुसार वो बताना है, ईयर कितना हो रहा है, कितने महीने के और कितने दिन के हैं, ठीक है, दिन महीना साल सब कुछ देना होगा बस। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है उसके बाद आपका कैंडिडेट एड्रेस इन लेटर, आपको एड्रेस भरना है, नेम फादर या हस्बैंड का नाम, एड्रेस महिला अगर भर रही है तो हस्बैंड का ही नाम देंगे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सिटी टाउन, फिर पिन है, फिर है मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दो को पूछा गया है, ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो देना है, बोला गया है प्लीज फिक्स वन रिसेंट कलर फोटोग्राफी, कलर फोटो ही देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आगे देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है जी, तो देख लेते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल लेवल, ठीक है, प्लीज़ गिव इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेशन अटेस्ट कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जितने भी मार्कशीट हैं और सर्टिफिकेट हैं आपके उन सभी को अटेस्ट कर देना है जेरोक्स करके। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन विथ कंप्लीट नेम ऑफ कोर्स पास्ड, यहाँ पे राइट विथ ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट कब पास में उस डेट को देना है, सॉरी राइट द राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर वगैरह या फिर कुछ भी किए हैं डिप्लोमा वगैरह तो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है, आईटीआई वगैरह कुछ भी अगर आप किए हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि पासिंग ईयर कब पास हुए, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद डेट कब पास हुए, ईयर ऑफ पासिंग 10th कब किए, 12th पास कब हुए, ग्रेजुएशन कब पास हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन कब पास हुए और अदर, ठीक है। फिर देखिए, तो यहाँ पे आपका मार्क्स देना है, मार्क्सिट के अनुसार मार्क्स ऑब्टेन, फुल मार्क्स लिखना है इसमें, इस बॉक्स में, इस मार्क्स में कितने मार्क्स लाए हैं, जैसे कि मेरा मार्क्स है 500 फुल मार्क्स यहाँ पे, और मैंने लाए थे 12th में भी और 10th में भी, दोनों में 383 तो 384 है, तो यहाँ पे मैं 383 भरूँगा, यहाँ से 384 भरूँगा, ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पे परसेंट देना है, तो मेरा परसेंट है 76.78%, यहाँ पे पॉइंट भी दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि क्लास 10th में तो आप लिखेंगे HIN हिंदी है, फिर इंग्लिश है ENG, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। फिर मेरा था सोशल साइंस SOC, फिर उसके बाद भर देंगे तो हमारा SCI भर देंगे साइंस, फिर मेरा था एक खोरठा, तो इस तरह से मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 10th में भरना है, 12th में भी भरना है, ग्रेजुएशन में भी भरना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी भरना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ, यानी कि 10th कितने, तो यहाँ पे ईयर लिखना है, 12th 2 साल का है उसमें भी लिख देना है, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का है उसमें भी लिख देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है वो भी लिख देना है, अगर आप कोई डिप्लोमा किए 6 महीना या साल भर का उसको भी देना है। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम दिए कि कहाँ से पास हुए, तो जैक से पास हुए जी, या CBSE पास हुए वो भी देना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, जैसे कि मैं BBMKU से पास हुआ, या BBU बिना बबावे, या SKMU या KU, ठीक है, कोलान यूनिवर्सिटी या NPU नीलांबर पीतम्बर यूनिवर्सिटी, जहाँ से पास हुए, यहाँ रांची यूनिवर्सिटी DSPMU, ठीक है, उन सभी का नाम दे देना है यूनिवर्सिटी का। 8 नंबर देखते हैं, और देखिए मैं पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, अब भी इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि किसी का डाउट रह जाएगा, फिर भी अगर डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा, इतना लंबा वीडियो बनाने के बाद नहीं लगता है किसी का डाउट रहे, फिर भी डाउट रहेगा तो क्लियर करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटैच्ड
कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट का कॉपी देना है। यहाँ पर भी आपको मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट का कॉपी देना है, मूल प्रमाण पत्र का, ठीक है। सर्टिफिकेट मतलब मूल प्रमाण पत्र जो एक साल बाद आता है। देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन विथ कंप्लीट नेम ऑफ कोर्स पास्ट, बीएड है एक, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल राइट ऑफ द, यहाँ पे सब कुछ भर लीजिएगा, सेम उसी टाइप से है, उसी तरह है। एनी अदर, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेंसी अगर आप किए हैं तो कर सकते हैं, सॉरी कंप्यूटर वाला को यहाँ पे मत भरिएगा, ठीक है। अदर एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन आप किए हैं तो कंप्यूटर वाला को यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। एनी अदर कंप्यूटर प्रोफेंसी, जैसे कि मैंने डीसी किया है तो डीसी यहाँ पे अगर आप फिल कर दूंगा, अगर आप कोई टैली किए हैं, कोई एडीसीए किए हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट होते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद ये बीएड, उसके बाद यार एमएड कहाँ गया, चलिए उसी में आ जाएगा, बीएड डीएलएड जो भी किए हैं आप, ठीक है, वो चीज़ आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अटैच्ड सेपरेट सीट ऑफ, आपको मतलब उसी का एक सर्टिफिकेट भी देना है, ठीक है, और एक जेरोक्स भी देना, सॉरी दोनों का जेरोक्स देना है, एक मार्कशीट का और एक सर्टिफिकेट का। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, किसी स्कूल में पढ़ाए हों चाहे कहीं पे, तो वो चीज़ दे दीजिएगा। पोस्ट हेल्ड, अगर आप कहीं कहीं पे काम किए हैं सरकारी संस्थान में तो दे दीजिएगा, प्राइवेट संस्थान में भी काम किए हैं और अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो भी आप भर दीजिएगा, कितने महीने कितने साल काम किए, कितने पे स्केल मिलते था, सब कुछ यहाँ पर भर देना है, ठीक है। देखिए अंतिम पेज है, इसमें पूछा गया है कुछ चीज़ें, इसमें पूछा गया है कि आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो हाँ भर दीजिए यार, कि मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, मैं हिंदी भी जानता हूँ और खौठा भी जानता हूँ, बांग्ला भी जानता हूँ, उड़िया, मतलब उड़िया नहीं यार, जो भी आप जानते हैं अपना लोकल लैंग्वेज वो भी, ठीक है। प्लीज टिक इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पूछा गया 11 नंबर, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस मुझे आता है यार कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस। अगर आपको नहीं आता है फिर भी कर देना है यस, नो मत मारिएगा, ठीक है ना, नहीं आता है फिर भी, और नई सर्टिफिकेट है तो 1500 रुपये लगता है, बना लीजिएगा एडीसीए का सर्टिफिकेट। क्वेश्चन है कि टिक मार्क, ठीक है, टिक इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स ऑफ टीचिंग पोस्ट, ठीक है, आपको पोस्ट का नाम देना है, अप्रोप्रिएट बॉक्स ऑफ टीचिंग पोस्ट, सबको यस देना है यार, किसी को नो नहीं भरना है, बाकी आपकी मर्जी, मेरी राय है केवल। अगला है कि सोशल कैटेगरी आप किससे भर रहे हैं, एसटी एससी बीसी एमबीसी या यूआर, तो अगर आप जिस कैटेगरी से भर रहे हैं उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन दिया गया है, यानी कि स्व अभिप्रमाणित जिसको बोलते हैं, स्व घोषणा, ठीक है, अंडरटेकिंग कि मैं इन सभी चीज़ों को मानता हूँ, आपके शर्तों को, और यहाँ पे आपको साइन करना होगा, प्लस भरना होगा, ठीक है। प्लस में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दीजिएगा, डेट मार दीजिएगा, नेम भर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिएगा, फिर है ये ऑफिस यूज के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऑफिस यूज के लिए एप्लीकेशन नंबर वो खुद भर लेंगे पोस्ट वाइज, ठीक है। फिर है कि पार्टिकुलर चेक्ड एंड कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर सेड पोस्ट एज पर के वी एस नॉर्म्स, ये सब ऑफिस द्वारा ही भरा जाएगा, ठीक है। नेम वो भर लेंगे, नेम भर लेंगे, सिग्नेचर कर देंगे और आपको एडमिट कार्ड भेज देंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉर्मेट डाउनलोड करना है, ये वाला एक डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक वाला ये करना है, दो गो हो गया, और इन दो गो और ये तीन को पेज आपको डाउनलोड करना है, ये चीज़, ठीक है। पेज नंबर 5 डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर 6 डाउनलोड कर लीजिएगा और 7 डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए साइन मारा गया है, कोई मैं झूठा न्यूज़ नहीं देता हूँ यार, जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इस बात का मेरी वीडियो में चैनल में हमेशा भरोसा कीजिएगा। तो ये है, और इसको आपको स्पीड पोस्ट करना है, नॉर्मल पोस्ट नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब कुछ जेरोक्स लगेगा, ठीक है, और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। और अब भी किसी के मन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे भाई बहन भैया दीदी जो भी हैं सबको बोल रहा हूँ, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, शरमाइएगा नहीं, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपका कोई दोस्त हो प्लीज उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और हमारा झारखंड बहुत पीछे है नॉलेज के मामले में, तो नॉलेज हम सभी को स्प्रेड करना है, फैलाना है। ठीक है, बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जवाहर झारखंड। यार बहुत देर तक बोलता रहे ना, थैंक यू।